हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के NSB व्लॉग्स में। तो आज के इस व्लॉग को चालू करते हैं। मैं एक्चुअली गया था अमृतसर, उसकी कुछ क्लिप्स हैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अमृतसर का मेरा टूर रहा है और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा अमृतसर का टूर कुछ इस प्रकार से चालू हुआ। हम दोनों गए थे बाइक पे और वहाँ पे थोड़ा लेट डाल रहा हूँ मैं ये वीडियो क्योंकि बहुत लेट हो गया है, लेकिन वही वाली बात है, मेरे पास टाइम ही अब मिला है तो मैंने कहा सोचा कि अभी डाल दूँ। और ये कुछ बाइक पे थोड़ी रील्स वगैरह बनाई थी तो उसकी वीडियो है। और ये हम ढाबे पे रोटी वोटी खा के बस निकलने को अगले दिन तैयार थे। तो रात को हम आ गए थे और अभी व्लॉग चालू कर रहा था मैं। और ये सामान वामान रखा जा रहा है गाड़ी में, जेन गाड़ी है और अभी इसकी कंडीशन देख के आप बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी गाड़ी है, विंटेज गाड़ी, और अभी भी ये पंजाब में चलती है। और ये भाई मेरा करण भाई, ये राजविंदर भाई, और आपको मैं गाड़ी दिखा देता हूँ। बहुत पुराना मॉडल है और ये एक नंबर गाड़ी होती है, ऑल्टो। और ये, और रात को हमने बाइक से आए थे, तो दिल्ली से बाइक से आए थे तो अभी यहाँ लगा रखी है। और ये हमारे मास्टर जी हैं जिसे हम अंकल बोलते हैं इंग्लिश में। और बस अभी चलते हैं तेल पानी चेक करके और फिर आगे निकलते हैं। और हम निकल चुके हैं। भाई मेरे को तो खैर इतनी दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन ये गाड़ी यार बहुत छोटी है, मेरे पैर बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, फोल्ड हो रहे हैं, मतलब छोटी गाड़ी है तो। लेकिन अब देखो जो भी है जैसा भी है, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, उसके बाद सीधा चलते हैं गुरुद्वारा। तो भाई मैं तो कंफर्टेबल बैठा हूँ, लेकिन पीछे देखो चार सदस्य बैठे एक छोटी सी गाड़ी में, उनका क्या हाल हो रहा होगा मेरे को नहीं पता, अभी वो तो वही जानते हैं। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਇੱਧਰ ਪਰ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਾ ਤੇ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਸਭ ਖਿਲਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਕੱਢਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਰੋਗੀ 6 ਜੀ ਰੋਗੀ ਗੱਡੀ ਅਜੀਬ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਈ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਫਾੜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਹ ਵਧੀ ਨੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਦੇ ਪੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ते फिर आ जानी तो मर जाना थले आके तेरी तिथि गल मैं तो तेन पहला गल दी जो छाट कुड़ी है इधर करा रहे मीना मीना पहला बाल बाल कर पाकिस्तान चले ओए पाकिस्तान चले जाना ही पाकिस्तान पाकिस्तान के हाल आगे है गड़ी यार 30 किलोमीटर है ना है अटारी फुल चढ़ गई चढ़ गई आओ अद्धी हुई है ले चढ़ जाएगी चढ़ती आओ ले ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕੰਡ ਝਾੜਦਾ भाई। अब थोड़ा किसी का वेट कर रहे हैं और मूफलियाँ ले रहे हैं जब तक वो हमारी गाड़ी लगी है, और हमारे साथ एक और गाड़ी जाएगी। ले के देना कुरकुरे सब की कुरकुरे भाई। अब हम रुके थे कुछ खाने पीने के लिए, खाते पीते और फिर आगे चलते हैं, रात बहुत हो गई है भाई। अभी पहुंच गए पहाड़ा पे, वो देखो जान दे पहाड़ ओए
बंद दे कर। तो हमारी गाड़ी हो गई है ओवर हीट, वो उसका ढक्कन थोड़ा लीक कर रहा था, अब इसको पानी डाल के थोड़ा ठंडा करेंगे रेडिएटर को, फिर आगे चलेंगे। बाबा जी माड़ी गड्डी ठंडी क्यों होंदी है, फिर चली जाना। ओए होए नेरी ले आती है, ओए होए तू को चला गया, ओए होए होए ओए होए आगे डकार ले जंदी है लकड़ी चीज है रे भैन जो ठीक है लकड़ी आपा फुल ठंडे हो गए हैं पानी घट हो गया ये और लेके आओ चलो भी पहाड़ा दे आ गए ओए तो अगर आपको इस वीडियो में मजा आ रहा है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे प्यारा से कमेंट कर देना, और आगे इससे बढ़िया बढ़िया आपको नज़ारे आएंगे, आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको 100% आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम एक्चुअली पाकिस्तान नहीं, हम अपना इंडिया में गुरुद्वारा जा रहे हैं धौलीधार। चार्जर भी नहीं लिया, कल दिन आ जाते मगर ये डरी क्यों जाने वा मैं पता सारा ही मेरा ध्यान है पूरा तू ध्यान ही रख मेन गल दिन च आंदे नजारे ही होर पहुंचन लगे आपा पहुंच गए गलिया च है ना गगन मुड़िया भाई इनको तो तुम जानते ही होगे पप्पू घोटे वाला, अगर नहीं जानते तो इनको सर्च मार के देखो, बहुत फेमस है। और इनके कारनामे अभी मैं दिखा देता हूँ, ये भांग बनाते हैं अपने सरदारों की और ऐसे डांस करके बनाते हैं। करना
जाओ ही करण 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 वीडियो कॉल दी भाई। हम आ गए हैं बाबा बालक नाथ जी के दर्शन करने। आप पूरी रात यहाँ रुकेंगे और उसके बाद अगले दिन दौलीतार चलेंगे। तो गाइस मेरी बैटरी थोड़ी लो थी, इस वजह से नेक्स्ट डे की वीडियो है। हम दौलीतार आ चुके हैं। तो भाई हम दौलीतार आ चुके हैं, अब यहाँ पे स्नान करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब आपसे मिलते हैं स्नान करके। गाइस मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे और हमें ठंडे पानी से स्नान कर। अब हम स्नान करके आ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, अब हम चलते हैं मत्था टेकने। अब हम भी मत्था टेक रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ साथ टेक लीजिए। और आपको मैं वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ पर हम स्नान करते हैं। तो लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं जो बंदे स्नान करके आ रहे हैं, और हमने स्नान कर लिए इसलिए हम राइट से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट में जो जो आ रहा है वो स्नान करके आ रहा है, जैसे कि ये बंदा पूरी ठंड में पहाड़ों के बीच में से पानी आता है, जल जिसे कहते हैं, और उससे हम स्नान करते हैं। करण काम हो गए निकला है थल्ले उतार दे। तो ये आप देख सकते हैं सामने सारे स्नान कर रहे हैं। Oh
तो यहाँ पे अंदर राख का प्रसाद मिलता है। आओ काम बनवा लो सिर से। तो यहाँ की जो प्रसिद्धता थी वो ये थी कि यहाँ पे भूत उतारने के लिए लोगों को लाया जाता है। यहाँ पे एक्चुअली ये स्टोरी थी कि यहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था, वो लोगों को परेशान करा करता था। तो यहाँ पे हमारे जो बाबा जी थे उन्होंने उनको ऐसा वो दिया था कि आप यहाँ पे जो भी आएगा आप उनकी सेवा करोगे, आप उनके अंदर जो भी भूत होगा वो उतारोगे। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप गूगल भी कर सकते हो। और मैं ये नहीं चाहता, वैसे तो मेरे को पता है लेकिन मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ गलत बताऊँ, इस वजह से आप गूगल कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो अब हम आ चुके हैं दूसरे स्थान पे। यहाँ पे ये मान्यता है कि आप अगर कोई भी चीज़ चढ़ाते हो तो वहाँ वो आपकी इच्छा पूरी होती है। जैसे कि आप गाड़ी लेना चाहते हो तो यहाँ पे गाड़ियाँ चढ़ती हैं, एरोप्लेन वगैरह ये सब चढ़ता है। वो फिर डंडे च नहीं हत्ता जी चाहिए। तो ये जगह नहरिया के बिल्कुल पास में पड़ती है। आप गूगल पे लोकेशन मैप्स पे लगा के आप यहाँ आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बहुत प्यारी जगह है।